तो आप सभी लोगों को पता होगा आज यहाँ पर मैच होने वाला है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसे यहाँ पर अफगानिस्तान ने यहाँ पर हरा दिया था। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स टेबल है ना उसमें यहाँ पर सबसे ऊपर तो यहाँ पर इंडिया चल रही है, क्योंकि दोनों में से यहाँ पर दोनों ही मैच जीत चुकी है। अगर मैं बात करूँ ना तो मतलब कि यहाँ पर मैच था, एक तो अफगानिस्तान से था और एक यहाँ पर बांग्लादेश से था, तो दोनों ही मैच जीत चुकी है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीती है और एक मैच यहाँ पर हार चुकी है। और यहाँ पर जो अफगानिस्तान है ना वो भी यहाँ पर एक मैच इंडिया से हारी थी और ऑस्ट्रेलिया से जीत चुकी है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर मतलब कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर अफगानिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप का यहाँ पर मतलब अपना बदला पूरा कर लिया, तो क्या यहाँ पर इंडिया भी बदला पूरा कर पाएगी, क्या यहाँ पर इंडिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया टीम है ना भाई वो यहाँ पर नंबर वन टीम आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। इंडिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ना भाई मतलब कि यहाँ पर क्रिकेट की बादशाह मानी जाती है। तो आप लोगों को पता होगा अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर क्या इंडिया हरा सकती है, तो उसका अगर यहाँ पर मैं बताऊँ ना अगर पर्सनली तो यहाँ पर हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती, पहले भी बहुत बार हराया है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब जो मेन मैचेस होते हैं ना भाई मतलब उसमें ऑस्ट्रेलिया वाले ना भाई पूरी जी जान लगा देते हैं। वैसे तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया ना और यहाँ पर इस मैच में हरा दिया, तो आज यहाँ पर जो होने वाला है तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एलिमिनेट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर फिर अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो इंडिया और यहाँ पर अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना स्कोर्स की, तो आप लोगों को पता होगा मतलब कि इंडिया में मतलब कि अब तो विराट कोहली भी यहाँ पर अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। और यहाँ पर बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ ना तो आप लोगों को पता होगा भाई जसप्रीत बुमराह हो गए, कुलदीप यादव हो गए, या फिर मतलब कि जो यहाँ पर अर्शदीप सिंह है ना भाई वो अपनी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा यहाँ पर ऋषभ पंत और यहाँ पर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंडिया मतलब कि अपने ओडीआई वर्ल्ड कप का यहाँ पर मतलब जो फाइनल में हारे थे ना उसका बदला ले ले, लेकिन यहाँ पर मतलब ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं कह सकते। आप लोगों को पता होगा भाई ट्रेविस हेड ने जो वर्ल्ड कप में जिताया था ना सिंगल हैंडेडली, वो आप लोगों को जरूर याद होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। डेविड वार्नर हो गए या फिर मिचेल मार्श यहाँ पर, और आप लोगों को पता होगा जो स्टोनीज है ना वो यहाँ पर अब मतलब कि नंबर वन यहाँ पर ऑलराउंडर है। और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल वगैरह भी फॉर्म में आ चुके हैं। और यहाँ पर बॉलिंग में बात करूँ ना तो स्टार्क, जोस हेजलवुड वगैरह सारे के सारे मतलब कि यहाँ पर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला यहाँ पर ले पाएगा ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल का। तो आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताना। और भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट रहीज को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।